नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज के दिन आप सभी को पता है नेशनल स्पोर्ट्स डे है और हम आज काफ़ी खास स्पोर्ट पर्सन से मिलने वाले हैं। जैसे कि आप कैमरा में देख ही रहोगे, नन्ना सा छोटा सा है, लेकिन मैं बता दूं इन्हें कम ना समझे, क्योंकि हाल ही में ही जो नेशनल लेवल जो कराटे चैंपियनशिप हुआ था, ई काटा कह सकते हैं, उसमें उन्होंने स्टेट के लिए गोल्ड लाया है। तो सीधे उनसे पहले बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो कहाँ से, उनका नाम क्या है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, नाम बताइए, कहाँ से है ना, वो सब बताइए। मेरा नाम है रिबू यांग, हम सेप्पा से है। मेरा पापा नाम तुफीर यांग है, मेरा मम्मी नाम यारी यांग है। और जैसे आपने कहा कि आप सेप्पा से है ना, तो आपका पहले तो बताइए आप कितना साल का है, इतना छोटा सा तो है आप, कितना साल का है? 9 साल का है। और कराटे में इस बार आपने गोल लेके आया ना अरुणाचल के लिए, तो इससे पहले आप कोई मतलब मैच में पार्टिसिपेट किया था इससे पहले जिसमें आपने मेडल लाया, जो आप बताना चाहते हो? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट लेवल में भी तो उसमें मेडल लाया था। क्या लाया था? गोल्ड। गोल्ड? हाँ। बाप रे। और स्टेट लेवल में भी लाया? हाँ। बाप रे। तो अभी इतना छोटा सा 9 ईयर्स का ही है, आप कब से सोचा अभी कराटे स्पोर्ट्स में मतलब खेलेगा या ऐसे करेगा, कब सोचा कुछ इंस्पायर, मतलब किसी से इंस्पिरेशन मिला कि हम भी ऐसे खेलना है ऐसा कुछ, या फिर ऐसे ही मतलब पापा ने घुसा दिया तो घुस गया? मैं दीदी से देख के। ओ, दीदी से देख के। दीदी भी कराटे खेलते हैं? पहले खेलता था। ओ, दीदी का नाम क्या है? जामिर यांग। और अभी जैसा बोला 9 ईयर्स का है, अब आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए मतलब नॉर्थ ईस्ट लेवल में अभी नेशनल लेवल में भी आप गोल लेके आ गया ना इस बार, तो आप बताना चाहेगा कि एक्सपीरियंस कैसे था, नेशनल लेवल वाला एक्सपीरियंस कैसे था, भले वो ऑनलाइन था लेकिन एक्सपीरियंस कैसे था? अच्छा ही था। और दूसरा पार्टिसिपेंट्स का वीडियोस देखा था आपने? नहीं देखा। तो आप कौन सा लेवल, आप जैसे जूनियर हो गया, सब जूनियर, क्या में आपने पार्ट लिया था? सब जूनियर। तो अभी आप तो इतना छोटा सा है ना, तो अभी नेशनल लेवल भी ला लिया, तो अभी कुछ और सोचा है, प्लान किया है? क्योंकि नेशनल लेवल तो इंडिया मतलब कंट्री लेवल में सबसे बड़ा है, तो और कुछ सोचा है इंटरनेशनल लेवल में जाएगा खेलेगा ऐसा कुछ सोचा है? इंटरनेशनल लेवल में जाएगा और ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, आप पूरा वो हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस कैसा करता है, मतलब कितना समय के लिए प्रैक्टिस करता है और कैसे मैनेज करता है, इतना छोटा सा है, प्रैक्टिस करना, पढ़ाई करना ना, और खेलने का समय मिलता है कि नहीं मिलता, वो सब भी थोड़ा बताओ। खेलने का समय भी मिलता है। हाँ। कहते क्लब भी जाता है। हाँ। तो सब हो जाता है मैनेज? और पापा मम्मी पेरेंट्स कैसे करके अच्छा से सपोर्ट करता है? मार के तो नहीं भेजता है ना खुशी खुशी जाता है, अच्छा लगता है ना। तो आप जैसे छोटा छोटा होगा 9 ईयर्स से भी छोटा वाला ना, जो लोग ऐसे कराते या फिर कुछ भी खेलने मन होता होगा लेकिन उन लोग नहीं होता है क्या, खेलेगा नहीं खेलेगा ऐसा फील होता है ना, करेगा नहीं करेगा, तो आप तो इतना नॉर्थ ईस्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, इवन कंट्री लेवल में आप लेके आ गया ना गोल, तो उन लोग छोटा छोटा आपका दोस्त लोग को कुछ बोलना चाहेगा? आपका दोस्त है ना, फ्रेंड्स है ना, तो उन लोग के लिए कुछ बोल दो काफ़ी शाय है लेकिन बात कम करने से भी कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट के लिए कह सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में 9 साल उन्होंने कहा है गोल, हमें तो पता ही नहीं था, हम जस्ट नेशनल लेवल का है सोच के आया था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि स्टेट लेवल भी उन्होंने लाया, नॉर्थ ईस्ट लेवल, अभी कंट्री लेवल में है, काफ़ी आई नो प्राउड मोमेंट की बात है, छोटा सा बच्चा है। तो अभी हम उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, उन्हें कैसा लग रहा है और कब से एक्सपीरियंस मतलब उन्होंने बच्चों ने ये रूबू रियांग ने शुरू किया ना कराटे खेलना, तो सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कब से इसका मतलब कराटे से जो जुड़ा है ना रिश्ता, कब से जुड़ा, कब से शुरू खेलना शुरू हुआ, वो पहले बताइएगा। थैंक यू अरुणाचल टुडे। मैं भी बिन एक स्पोर्ट पर्सन का हिसाब में, मेरा 3 बच्चा है, तो 3 बच्चा में से मैं एक किसी ना किसी को तो स्पोर्ट्स बनाना है सोचा, तो शुरू में बेटी को ट्राई किया, तो बेटी जो मैंने हेल्थ तरफ का वजह से मैंने फेवर नहीं हो पाया स्पोर्ट में, तो बाद में ये बेटा है, बेटा जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहा था उसका हाथ पाँव जो, तो इसलिए डिसीजन लिया कि मेरा ये बेटा को ही फास्ट बेटा को ही स्पोर्ट में डालना है,
तो अभी स्पोर्ट में इसका इवन मैंने 3 साल भी नहीं हुआ, तो 17 में इसको स्पोर्ट में घुसा है। विद इन ये साल में ही आपका 18 पहुंचा है 19, तो 2 साल का अंदर में डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मिला। उसका वही साल 19 में ही स्टेट लेवल मिला, फिर नॉर्थ ईस्ट लेवल में भी गोल्ड मिला। तो अभी खुशी का बात है कि हम जो सपना देखा है अपना के लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन मेरा सपना को मेरा बेटा पूरा करेगा ऐसे लग रहा है। आपने काफ़ी अच्छा बात किया, और मैं जानना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि आपका सपना आपका बच्चा अभी पूरा करेगा, तो आप भी इंटरेस्टेड था ये मतलब स्पोर्ट्स को लेकर? हाँ, मैं खुद ही इंटरेस्ट था अपना खुद स्पोर्ट, लेकिन मैं अपना सपना को पूरा नहीं कर सका, लेकिन ऐसे लग रहा कि मेरा सपना को मेरा बेटा ही अभी पूरा करेगा। अभी जैसे आपने कहा कि प्राउड फील, मतलब आप बहुत प्राउड फील कर रहे हो कि नेशनल लेवल में आप लेके आए, और काफ़ी कम समय, जैसे आपने बताया, इन्होंने बताया नहीं, बता नहीं सक रहे थे, लेकिन जैसे आपने बताया कि 2017 से वो जुड़े हो, तो काफ़ी कम समय में नेशनल लेवल तक और गोल लाना वो काफ़ी बड़ी बात है। तो आप और आपका जो वाइफ की तरफ से किस तरीके से इसे सपोर्ट दिया जाता है, कैसे करके आप इसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा है, कभी मना भी करता होगा कि हम क्लब नहीं जाएगा, आज थोड़ा छुट्टी ले लेगा, तो कैसे करके आप मैनेज करते? नहीं, शुरू में ये थोड़ा सा ये हुआ कि हम जाने दिल नहीं, लेकिन उसको मैं एक जिसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट दिलाने के लिए, हाँ चॉकलेट खिलाना है, हाँ आपको हम जूस पिलाएगा, तो ऐसे करके उसको मैंने इंटरेस्ट कराया। तो अभी काफ़ी हम शुरू बोल के ना, हम तो ज़्यादातर घर में रहता नहीं है, तो मेरा मिसेस उसको ज़्यादातर केयर करता है कि हाँ लिख के जाना, लिख के आना। जैसे आपने बताया कि आप मतलब आपका जो वाइफ है वो काफ़ी इसे सपोर्ट करती है, तो हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे अरुणाचल प्रदेश में अभी लेकिन कह सकते हैं कि काफ़ी पेरेंट्स लोग आगे बढ़कर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स सेक्टर में भी मतलब इन्वॉल्व करा रहे हैं, मतलब हेल्थ भी थोड़ा ठीक रहे, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपका पहले आपने बेटी को भी स्पोर्ट्स में डाला था, उसके बाद आप खुद इंटरेस्टेड हो, तो स्पोर्ट्स क्योंकि कोई लोग सोचता है कि स्पोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एज अ पेरेंट्स आपको लगता है, क्योंकि छोटे से उम्र में इसने 3 बार गोल लाए थे, 3 से भी ज़्यादा बार लाए, तो स्पोर्ट कैसा चेंज कर सकता है लाइफ को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये स्पोर्ट को ऐसे स्पोर्ट पर्सन जो जानता है वही जान सकता है कि स्पोर्ट का कितना वैल्यू है। अब जैसे कि मैं घर में होता ना, कभी कभी मेरा मिसेस भी इसको क्लब से ले के आना थोड़ा दूती जाता है, वो प्रॉब्लम आता है, कभी कभी इसका मास्टर लोही ले के आ जाता है, या कभी कभी इसका मास्टर लोही घर से पिकअप करके क्लब में पहुँचाता है। तो बिन मैंने स्पोर्ट पर्सन वही स्पोर्ट का वैल्यू को मालूम है। तो जहाँ तक अभी स्पोर्ट का वो करने से सारा दुनिया में, तो आप जितना IAS बनेगा IPS बनेगा वो एक इंडिविजुअल में चला जाता है। तो ऐसे स्पोर्ट अभी ये मान लीजिए ये भले ही मेरा बेटा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करा, अपना क्लब को रिप्रेजेंट करा, उसका बाद स्टेट को रिप्रेजेंट करा नॉर्थ ईस्ट में, तो अभी फिर आप इससे ऐसे स्टेट अरुणाचल ऐसे होल अभी रिप्रेजेंट किया, तो मेरा नाम थोड़ी ना, अभी तो अरुणाचल का ही नाम आएगा, तो बाद में फिर कंट्री के रिप्रेजेंट करेगा, तो मेरा ऐसे बेटा का हिसाब में तो बेटा तो है ही है, लेकिन ये बाद में कंट्री का बेटा हो जाएगा, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। इतना तो मैं यही कहना चाहूँगा, स्पोर्ट का एक वैल्यू है कि आप सारा कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। और आखिर में आपसे यही जानना चाहिए, जैसे आपने अभी कहा कि अभी तो नेशनल जीत गया जो सबसे बड़ा कंट्री लेवल में होता है, तो अभी इंटरनेशनल के लिए होगा, तो आप किस तरीके से उसे देखेंगे ना, कैसे करके सपोर्ट करेंगे, कैसे प्रैक्टिस को लेंगे, क्योंकि क्लब में तो सिखाएगा ही, लेकिन एज अ पेरेंट्स आपकी तरफ से किस तरह से उसे बूस्टअप करेगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही है कि हम तो एक आम आदमी है, तो जितना कोशिश कर रहा है वो तो कर रहा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम नेशनल लेवल तक हम उसको कोशिश करते हैं। इतना तक कि हम मेरा तरफ से एक ये अपील है कि स्टेट गवर्नमेंट से कि अभी ये 9 साल का उम्र में स्टेट के लिए गोल्ड मेडल लाया, और सारा इसका जितना भी प्लेयर है गोल्ड लाया, सिल्वर लाया, ब्रॉन्ज लाया, तो स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा, जो पेरेंट्स जो सपना देखता है वो नहीं कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो उसको थोड़ा सा लोग आप जितना भी उसका फैसिलिटी जो स्पोर्ट इक्विपमेंट लेना है, और जहाँ में अच्छा जो सेंटर खुल देने से ठीक है, और पर्टिकुलर जो छोटा बच्चा हो गया अभी जितना जो गोल लिया है, जो मेडल्स लिया है, वो किसी के पास तो पर्सनल जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने जगह नहीं होगा, और कभी कभी ऐसे आ जाता है कि समय अब क्लब तक नहीं पहुँच पाता है, तो उसमें एक मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक अच्छा सा ट्रेनिंग सेंटर खुले, और जैसे कि पर्टिकुलर मेरा ये बच्चा हो गया,
एक गवर्नमेंट तरफ से एक मैं एक फैसिलिटी दिया जाने से मेरे तरफ से यही अच्छा है कि उसको किसे तरह नहीं करना है और नेशनल लेवल में कैसे उसको आगे में बढ़ाना है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, और फिर से आपको थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए। और आप तो अपना दोस्तों के लिए कुछ बोला नहीं ना, लेकिन अभी जो ये वीडियो देखेगा उनको कुछ तो बोल दो, हाय हेलो थैंक यू जो भी बोल दो, कुछ तो बोला, हाय तो बोल दो, थैंक यू। हाँ तो काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी कम आवाज़ में, धीमी आवाज़ में थैंक यू तो कहा, लेकिन आई होप कि हमारा जो टीम है और अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप और अच्छा से खेलें और कंट्री तो कंट्री लेवल में आपने गोल ला दिया, अभी इंटरनेशनल लेवल में भी अच्छा से मेहनत करके ना कंट्री के लिए भी गोल लेके आएगा। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू।